नमस्कार दोस्तों, जितना भी मोदी विरोधी मीडिया है दिल्ली के नज़दीक भारत जोड़ो यात्रा पहुंचते ही इस पर टूट पड़ा है। आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। अजीत अंजुम इसकी कवर करने के लिए इसको पहुंच गए। आरफा खानम शेरवानी जो द वायर पर दिन भर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों को कोसा करती हैं, वो भी इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गई, लेकिन इन्हें राहुल गांधी का इंटरव्यू नहीं मिला। इन्हें दिग्विजय सिंह जैसे छुटे हुए कारतूस से काम चलाना पड़ा और सभी को चलते चलते इंटरव्यू दिया दिग्विजय सिंह ने। दोनों के इंटरव्यू देखिए, आरफा खानम शेरवानी और अजीत अंजुम के, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही समय लिए गए। पहले अजीत अंजुम ने ले लिया, उसके बाद आरफा खानम शेरवानी ने ले लिया। वही बातें, घिसी पिटे मुद्दे, इसके अलावा और कुछ था नहीं इन इंटरव्यूज में। अजीत अंजुम जरूर इस दौरान फंस गए थे और अजीत अंजुम के खिलाफ तो भाजपा समर्थकों ने नारेबाजी भी कर दी। हालांकि अजीत अंजुम ने बहुत मॉडरेट बनते हुए उसे अपने वीडियो में शामिल कर लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए हम तो निष्पक्ष रहते हैं, हमारे खिलाफ अगर कोई नारेबाजी करता है तो हम उसे भी अपने वीडियो में दिखा देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम को खूब जमकर ट्रोल किया गया। इस पूरी यात्रा के दौरान एक चीज जो मिसिंग नजर आ रही है वो है रवीश कुमार। रवीश कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर ये कहा था कि साहब राहुल गांधी की जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और देश में इससे बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है और अगर मैं NDTV में काम कर रहा होता तो इसे कवर करने के लिए जरूर जाता, लेकिन अब चूंकि मैं YouTube चैनल पर अपने काम कर रहा हूँ और ऐसा संभव नहीं है, बहुत सारे संसाधन की जरूरत होती है। दूसरे, रवीश कुमार को इस बात का भी डर लगता है कि अगर वो पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार कर लें, इस बात से वो घबरा भी रहे हैं। बहरहाल अजीत अंजुम के साथ या फिर आरफा खानम शेरवानी के साथ तो किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया और आप तो भारत जोड़ो यात्रा को कवर करना चाहते हैं। कोई अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की कोई यात्रा तो है नहीं कि वहां पर आपको भाजपा समर्थक घेर लेंगे। लेकिन रवीश कुमार हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी सब लोगों को सिर्फ एक ही काम है कि साहब दिन रात रवीश कुमार के पीछे पड़े रहो। भाई रवीश कुमार जी, अब आप NDTV से बाहर हैं, अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, तो आपको किसी से क्या दिक्कत हो सकती है? दूसरे, गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू दिया है रजत शर्मा को। आप जानते हैं कि रजत शर्मा इंटरव्यू कैसे लेते हैं, आपकी अदालत उनका जो पुराना शो है उसमें उन्होंने गौतम अडानी को बुलाया है। अब गौतम अडानी को उन्होंने बुलाया या गौतम अडानी खुद जाना चाहते थे ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन इसमें रजत शर्मा ने कमाल कर दिया। रजत शर्मा ने एक बार तो जो गौतम अडानी पर आरोप लगाया उसमें ये तक कह दिया कि आप एहसान फरामोश हैं, ये भी आरोप लगाया गया, ये शब्द भी गौतम अडानी के लिए यूज़ किए गए। इसके अलावा कुछ लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन रजत शर्मा ने काफ़ी टफ सवाल उनसे पूछे। इतने टफ सवाल वो दूसरे लोगों से पूछते नहीं हैं। रजत शर्मा ने उनसे ये भी पूछा कि आपको सारा पैसा नरेंद्र मोदी ही कमा कर दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी सवाल किए। गौतम अडानी ने हालांकि बड़े सेफ जवाब दिए सभी के, लेकिन रजत शर्मा ने अपेक्षाकृत अच्छे सवाल पूछे और आपकी अदालत का जो उनका कार्यक्रम की जो गरिमा है उसके मुताबिक उन्होंने काफ़ी ग्रिल किया इनको, गौतम अडानी को। मुझे लग रहा था कि इस इंटरव्यू को लेकर रवीश कुमार अपने चैनल पर कोई वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन वो तो जोशी मठ, हल्द्वानी और वहाँ के वीडियो बनाने लगे हैं। हालांकि वो फील्ड में तो कहीं दिखाई नहीं देते और जो भी फीडबैक सोशल मीडिया से लेते हैं उसी के आधार पर उन्होंने वीडियो अपने अब तक बनाए हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि गौतम अडानी को लेकर, गौतम अडानी का इंटरव्यू जो खासतौर से रजत शर्मा ने लिया है उसे लेकर वो जरूर कुछ ना कुछ वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया है उन्होंने। अलबत्ता NDTV जो उनका पूर्व संस्थान है उसने इस इंटरव्यू को कवर किया। इस इंटरव्यू के बारे में NDTV ने एक खबर भी चलाई कि रजत शर्मा ने गौतम अडानी का इंटरव्यू लिया है और गौतम अडानी ने उसमें क्या क्या कहा है। ये एक अजीबोगरीब बात है। देखिए, एक राइवल चैनल NDTV और India TV में रजत शर्मा और प्रणव राय के बीच में आप सब जानते हैं कि वैचारिक रूप से भी और व्यावसायिक रूप से भी 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब चूंकि सारा मैनेजमेंट बदल गया है, अब गौतम अडानी ने धीरे धीरे NDTV को टेक ओवर कर लिया है, तो शायद जो संजय पुगलिया और जो दूसरे लोग उनकी टीम में जुड़े हैं वो शायद उनका प्रभाव है कि NDTV
अब गौतम अडानी को लेकर जो रजत शर्मा की आपकी अदालत है उसे लेकर एक कार्यक्रम बना रहा है, उसके ऊपर एक न्यूज आइटम दिखाया जा रहा है कि इसमें क्या सवाल जवाब हुए। ये एक वास्तव में चमत्कारित चीजें हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी चला। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा पर वापस आता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजर रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैंने कुछ इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि ना तो रवीश कुमार को, ना अजीत अंजुम को, ना अरफा खानम शेरवानी को, ना राजदीप सरदेसाई को राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। राहुल गांधी ने एक दो छोटे मोटे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे दिया इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, लेकिन इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया है। ये मेरे दिमाग में एक मेरे जहन में चीज जरूर चल रही थी कि आखिरकार राहुल गांधी ने अपने सपोर्टर्स, ये तो उनके सपोर्टर्स हैं, राजदीप सरदेसाई कांग्रेस के पुराने भक्त हैं, उनकी पत्नी सागरिका घोष वो तो बहुत जबरदस्त भक्त हैं, सागरिका घोष ने तो ट्विटर पर तहलका मचाया हुआ है, उन्होंने जो शंकर मिश्रा पकड़ा गया है जिसने एयर इंडिया की फ्लाइट में शराब पी ली थी उसे लेकर सागरिका घोष ने कुछ ट्वीट कर दिया है कि देखिए ना बोस पकड़ा गया, ना गांगुली पकड़ा गया, ना नायडू पकड़ा गया, पकड़ा गया कौन, हिंदी भाषी शंकर मिश्रा। उन्होंने तो इस पर भी, मुझे लगता है कि ये तो एक तरह का रेसिस्ट कमेंट है उनका, और इसे लेकर सागरिका घोष को ट्रोल भी किया जा रहा है। दूसरी ओर राजदीप सरदेसाई ने क्या कहा, राजदीप सरदेसाई ने शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर यह कहा कि अगर शंकर मिश्रा की जगह किसी खान नाम के युवक ने एयरलाइंस के अंदर महिला पर शराब पीकर इस तरह से पेशाब कर दिया होता तो मीडिया हल्ला मचा देता। लेकिन मैं यहां यह भी तो कहना चाहूंगा कि अगर किसी खान ने ऐसा किया होता और उसको इस तरह से गिरफ्तार किया जाता तो आप ही सियापा मचाते कि ये खान था इसलिए इस बात को इतना तूल दिया गया, और इतने महीने के बाद, घटना नवंबर की थी और अब गिरफ्तारी जनवरी में हो रही है, तो इसी बात को लेकर राजदीप सरदेसाई इस बात का भी सियापा करते कि देखिए एक खान था, एक मुसलमान था, इसलिए उसको इस तरीके से इतने पुराने मामले में लपेटा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर चीजों को नकारात्मक तरीके से देखने का ही फैसला कर लिया है। रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, आरफा खानम शेरवानी, अजीत अंजुम ये फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, ये सिस्टम से भी नाराज हैं, और अब सिस्टम इनकी बात नहीं मानता है, सरकार में इनकी नहीं चलती है, बीजेपी सरकार में इनकी वैल्यू कम हो रही है, इनके चैनल्स की वैल्यू कम हुई है, इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी है या इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, तो इस बात का फ्रस्ट्रेशन भी तो कहीं ना कहीं ये लोग निकालेंगे ही। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसमें मीडिया के कुछ और रंग अभी आने बाकी हैं। असली रंग तो तब आएगा जब ये यात्रा समापन के लिए कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। कश्मीर में आप जानते ही हैं कि चुनाव होने हैं, सेंसिटिव मामला है, गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के वहां के सबसे बड़े नेता थे वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ दिलचस्प होने जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। हम इसको कवर करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।